वेलकम टू द केमिस्ट्री कॉम्पिटिशन क्लासेस। एंड आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द केमिस्ट्री एग्जाम और एनी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। तो ये सारे बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। एंड यू आर वेरी कन्फ्यूज के हाउ टू प्रिपेयर द बोर्ड एग्जाम्स एंड हाउ कैन बी सेट ए स्ट्रेटजी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स। तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स वी हैव टू जस्ट प्रिपेयर फॉर एनीथिंग एल्स, जैसे कि कौन कौन चीजें जिसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। तो सबसे पहले तो एक एग्जाम, जो भी आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसकी एक स्ट्रेटजी जो है हमारे पास एक क्लियर होनी चाहिए, एक ब्लूप्रिंट जिसे बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आज हम केमिस्ट्री के ब्लूप्रिंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार होना चाहिए, जिससे कि हम एग्जाम की तैयारी को अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहले आज केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम्स का एक ब्लूप्रिंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं, आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कौन से क्वेश्चन की तैयारी करनी है, किस यूनिट को ज्यादा फोकस करना है। सो लेट अप टू फोकस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा केमिस्ट्री का, उस क्वेश्चन पेपर में ओवरऑल 35 क्वेश्चन आने हैं। तो ओवरऑल 35 क्वेश्चन को हमें यहाँ पे फेस करना है, और उनमें से यहाँ पे हमारे जो सेक्शन जो रहेंगे, ओवरऑल 5 सेक्शन रहेंगे, ए बी सी डी एंड ई। तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर जो होगा केमिस्ट्री का, वो टोटल 35 सेक्शंस में डिवाइड होगा, और क्वेश्चंस कुछ तरह किस तरह से आएंगे वो यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की बात करेंगे। तो सेक्शन ए में आपके दो तरह के क्वेश्चंस होंगे, एक तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे और एसएसएन रीजन टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो अगर हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो टोटल एमसीक्यूज हमें एग्जाम में 14 देखने को मिलेंगे, जिनका नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक रहेगा। और एमसीक्यू क्वेश्चन जो होंगे वो ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क के लिए होंगे, यानी कि ओवरऑल 14 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आने वाले हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे सेक्शन जो ए है उसमें आगे के क्वेश्चन किस तरह से होंगे। तो वो है हमारे पास एसएसएम रीजन टाइप क्वेश्चन होंगे, जिनका नंबर जो है 4 रहे, यानी कि 4 आपके एसएसएम रीजन टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 18 तक होंगे, और यहाँ पे ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल सेक्शन ए में आपको 18 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से 1 से लेकर के 14 तक 14 एमसीक्यूज एंड 4 आपको एसएसएम रीजन टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास सेक्शन बी स्टार्ट होगा, और सेक्शन बी की अगर हम बात करेंगे तो टोटल वहां पे आपको 7 क्वेश्चंस वहां पे फेस करने हैं, और 7 क्वेश्चन जो होंगे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, एंड दे स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 19 to 25, यानी कि 19 से लेकर के 25 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, एंड ईच क्वेश्चन कैरी द 2 मार्क्स, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप जब एमसीक्यूज करोगे तो एमसीक्यूज में आपको कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं मिलने वाली है। सो जस्ट फोकस कि आपको कोई भी एमसीक्यूज में इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी, एज वेल एज फॉर द एसएसएल रीजन टाइप क्वेश्चन। बट अगर हम सेक्शन बी की बात करेंगे, जो यहाँ पे 19 से लेकर 25 तक है, तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर जो 20 होगा और 21 वाला जो क्वेश्चन होगा, दो क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस जो है वो मिलने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में हमें, क्योंकि यहाँ पे चॉइस मिलने वाली है, तो हम वहां पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की बात करेंगे, तो सेक्शन सी में यहाँ पे टोटल आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे हमारे पास 5। ये क्वेश्चन स्टार्ट होंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 26 to 30, 26 से लेकर के 30 तक 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि हमारे पास सेक्शन सी में होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एंड ईच क्वेश्चन कैरिंग द 3 मार्क्स। यहाँ पर भी हमें एक इंटरनल चॉइस देखने को मिलती है, क्वेश्चन नंबर जो 30 होगा, क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपको इंटरनल चॉइस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी की बात करते हैं। तो सेक्शन डी में ओवरऑल 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो होंगे वो सीबीएस क्यू होंगे, यानी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 31 और 32 के भी होंगे, एंड ईच क्वेश्चन कैरी द 5 मार्क्स। सो यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी आपकी 2 आने वाली है, एक ऑर्गेनिक से आएगी, एक जो है वो इनऑर्गेनिक या फिजिकल से आने वाली है। तो यहाँ पे 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे भी एक इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको। यहाँ पे ये बहुत अच्छा है कि आपको दोनों ही क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे इंटरनल चॉइस मिलने वाली है। सो दैट इज अ वेरी रिलायबल पार्ट फॉर द एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे जो केस बेस्ड स्टडी होता है दैट इज फॉर द 5 मार्क्स।
और इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कहीं गलत ना हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे दोनों में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। 31 के लिए मिलेगी, यानी कि जो ऑर्गेनिक वाला होगा उसके लिए भी इंटरनल चॉइस मिलेगी, और 32 जो फिजिकल या अनऑर्गेनिक आएगा उसमें भी आपको यहाँ पे इंटरनल चॉइस मिलेगी। अब बात करते हैं सेक्शन ई की, बात करते हैं तो सेक्शन ई में आपको टोटल क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे थ्री क्वेश्चन होंगे आपके। तो 3 क्वेश्चन होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और ये आपके क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर के 35 तक के टोटल हमारे पास 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमें मिलेंगे। एंड ईच क्वेश्चन कैरी द 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स के लिए होगा। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे 33 और 34 वाला जो क्वेश्चन जो होगा, जो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनके लिए आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, और जो इनऑर्गेनिक या फिजिकल का जो क्वेश्चन जो आएगा 35 वाला, उसके लिए आपको इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इंटरनल चॉइस हम यहाँ पे दे चुके होते हैं। तो ये आपका ओवरऑल ब्लूप्रिंट है एग्जाम का, जो आपको ध्यान रखना है। 1 to 14 MCQs, 15 to 18 SS revision type questions, 19 to 25 वेरी शॉर्ट हो गया, एंड 26 to 30 जो है वो आपको मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप, एंड 31, 32 केस बेसिस स्टडी, एंड 33 से लेकर के 35 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो लॉन्ग आंसर होंगे। ओवरऑल एग्जाम में अगर इंटरनल चॉइस की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चंस की आपको इंटरनल चॉइस आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको स्ट्रेटेजी तैयार करनी है कि आपको आपका कौन सा पार्ट वीक है, आपको किस तरह के क्वेश्चंस के लिए ज्यादा मेहनत करनी है, तो आप जो है इस तरह से यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है 2023 के लिए, वो हमारे पास 10 यूनिट्स है, सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकाइनेटिक्स। तो यहाँ पे सोल्यूशन 7 मार्क्स के लिए आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स के लिए, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स के लिए, DNA block element 7 marks के लिए, coordination compound 7 marks के लिए, haloalkane and haloarene 6 marks के लिए, alcohol, phenol and ether 6 marks के लिए, aldehyde, ketone और carboxylic acid 8 marks के लिए, amine जो है वो 6 marks के लिए, biomolecule जो है 7 marks के लिए आपका आएगा। बेसिकली अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, और डी ब्लॉक डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिलोंग करेगा, और हेलो एल्केन एल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइंस और बायोमॉलिक्यूल जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो ओवरऑल ये हमारा यहाँ पे सिलेबस है। अगर हम बात करेंगे तो टोटल थ्योरी जो है वो 70 मार्क्स के लिए आती है, जैसे कि सभी को पता है, एंड 30 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल रहता है। तो ओवरऑल हमारे पास 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया। अब हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बात करने वाले हैं, ऑर्गेनिक वर्सेस फिजिकल और इनऑर्गेनिक। तो इन दोनों को हम यहाँ करना है, कौन सी पार्ट आपको ज्यादा फोकस करना है, तो देखेंगे यहाँ पे। तो आपको आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर एमसीक्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे 8 MCQs जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलेंगे, एंड 6 MCQs आपको फिजिकल या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलेंगे। तो एमसीक्यूज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज्यादा फोकस करना है। SSR revision type questions की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 questions from the organic and 2 questions from the physical chemistry आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको दोनों को equivalently focus करना है। अगर हम बात करें वेरी शॉर्ट की बात करेंगे तो वेरी शॉर्ट आपको ऑर्गेनिक से 2 मिलेंगे और फिजिकल से आपको 5 मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको फिजिकल पे ज्यादा फोकस करना है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे। अगर ऑर्गेनिक की बात करेंगे शॉर्ट आंसर की, तो यहाँ पे 2 questions from the organic chemistry and 3 questions from the फिजिकल केमिस्ट्री। तो वंस अगेन आपको यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का जो पढ़ना है वो भारी है, वो यहाँ पे फिजिकल पर ज्यादा फोकस करना है। अगर CBST की बात करेंगे तो यहाँ पे केस बेसिस स्टडी 1 फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड 1 फ्रॉम द लाइक फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ पे दोनों इक्विवेलेंट है। एंड ऑर्गेनिक के लॉन्ग आंसर की बात करेंगे तो 2 लॉन्ग आंसर जो है आपको वहां से मिलने वाले, आपको मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, 1 आपको मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री से। तो ये आपको बहुत फोकस करना है कि दोनों मैं आपको किस तरह से यहाँ पे वर्सेस ध्यान रखना है। दोनों के टोटल जो मार्क्स होंगे 35 मार्क्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, 35 मार्क्स के लिए आपकी फिजिकल केमिस्ट्री होगी। तो आपको दोनों के बीच में भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से किस किस क्वेश्चन को तैयार करना है, कि वेरी शॉर्ट में आपको कहां से कहां तक क्वेश्चन मिलेंगे और शॉर्ट में कितने मिलेंगे, एमसीक्यूज में कितने मिलेंगे, लॉन्ग में कितने मिलेंगे। तो आपको इस तरह से आपको इस एग्जाम की स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो करनी है। ये चार्ट आपके पास होना चाहिए कि आपको पूरे सिलेबस में से कितने पोर्शन को कहां पे कितने मार्क्स में तैयार करना है, तो आप इस तरह से यहां पे फोकस करेंगे। बाकी 100 मार्क्स के लिए आपको बता चुके हैं, तो आपको इस तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए ये चीज ध्यान रखनी होगी। ठीक है,
फॉर एनी बोर्ड एग्जाम राइट। तो फर्स्ट जो हमारे पास की पॉइंट है इट इज द टू प्रिपेयर एंड द फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली। आप एक टाइम टेबल बनाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। सेकेंड है बी पॉजिटिव हैव पेशेंस एंड डोंट टेक स्ट्रेस। हमें क्या होना चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय पॉजिटिव होना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे उसके लिए आपको अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेके आना है एंड डोंट टेक स्ट्रेस और किसी तरह का स्ट्रेस आपके पास नहीं होना चाहिए। टू अवॉइड द लेंथी नोट्स एंड टू सॉल्व द सैंपल पेपर। जो भी आपके लेंथी नोट्स हैं जो हैंड बुक है या लेंथी नोट्स है उनको अवॉइड करना है और सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। टू अवॉइड द सोशल मीडिया टेलीविजन एंड एनी ओटीटी प्लेटफॉर्म। एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे सारे सोशल मीडिया को एंड आपके जो भी आपके टेलीविजन है और ओटीटी प्लेटफॉर्म को अवॉइड करना है। इनसे हट के आपको पढ़ाई करनी है एंड टू अवॉइड द एग्जाम प्रेशर। और आपको क्या करना है एग्जाम का प्रेशर नहीं लेके आने देना है। तो 5 एग्जाम की पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखते हुए एग्जाम की प्रिपरेशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।